हेलो बच्चों, ऑर्थोपोडा फाइलम के नेक्स्ट जिस इंसेक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, ऑर्थोपोडन का अध्ययन कर रहे हैं, वह है एपिस हनीबी अर्थात मधुमक्खी। जैसा कि क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का आपको प्रीवियस एनिमल्स में बता दिया गया है। वे सभी एनिमल्स जिनमें कि युग्मित उपांग पाए जाते हैं, उन्हें फाइलम या संघ ऑर्थोपोडा में रखा जाता है। क्लास इंसेक्टा है। इंसेक्टा का मुख्य लक्षण है वे एनिमल्स जिनमें थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, तीन जोड़ी चलन अंग या गमनांग होते हैं और दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। और पंखों की संरचना के आधार पर जिस गण या ऑर्डर में एपिस को, मधुमक्खी को रखा जाता है, वह है हाइमेनोप्टेरा। हाइमन शब्द लिया गया है मेम्ब्रेनस, झिल्लीनुमा, और टेरा शब्द होता है विंग्स के लिए। अर्थात एपिस में या जितने भी हाइमेनोप्टेरन्स होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हनीबी और वैस्प आते हैं, इनमें पंख जो हैं वो बिल्कुल मेम्ब्रेनस झिल्लीदार होते हैं और ये उनको उड़ने में सहायक होते हैं। और एपिस में मुख्य रूप से जो फैमिली है एपिडी है। स्पीशीज़ इसकी अनेक स्पीशीज़ हैं, मोर देन 200 स्पीशीज़ हैं, और यहाँ पर हम मुख्य स्पीशीज़ का अध्ययन करेंगे अभी आने वाले पेजेस में। सबसे पहले हम देखते हैं हैबिट और हैबिटाट एपिस का या मधुमक्खी का। तो जब हम एपिस का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से एपिस को हम की व्याख्या करते हैं एक सामाजिक कीट के रूप में, अर्थात सोशल इंसेक्ट। सामाजिक कीट वे होते हैं जिनमें कि जो समूह बनाकर रहते हैं और जिनमें श्रम विभाजन होता है। अर्थात वे सभी इंसेक्ट जिनमें एक से अधिक विभेद पाए जाते हैं और सभी में श्रम विभाजित होता है। प्रत्येक का कार्य निश्चित होता है और वे अपने कार्य संपादित करते हैं। और अगर हम देखें कि स्प्रिंग सीज़न जो होता है, बसंत ऋतु, उसमें एपिस या मधुमक्खी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं और इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, बहुरूपता ही पाई जाती है। अर्थात एक से अधिक विभेद होते हैं जिसमें मुख्य रूप से क्वीन बी, रानी मधुमक्खी, ड्रोन, नर, वर्कर्स, श्रमिक और सोल्जर्स होते हैं, जिनका हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। तो सोशल इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट हैं जिसमें कि पॉलीमॉर्फिज्म विभेद पाए जाते हैं और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो इसकी विशिष्टता होती है वह पाई जाती है। जब मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है तो उनमें एक विशिष्ट गुण यह पाया गया कि इनमें संचार का गुण होता है। अर्थात एक दूसरे से कम्युनिकेट या संचार कर सकते हैं और ये एक विशिष्ट प्रकार का नृत्य होता है जिसमें कि वैगल डांस और एक होता है एनसर्कल डांस या सर्कलिंग डांस, जिनका आगे हम अध्ययन करेंगे। ये जो नृत्य होते हैं या जो इनकी कम्युनिकेशन की भाषा होती है, मुख्य रूप से भोजन की दिशा और दूरी को स्पष्ट करते हैं कि भोजन किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है अपने छत्ते के, हाइव के अन्य सदस्यों को बताते हैं। अगर हम इंडिया में या एशिया में मधुमक्खी की मुख्य जातियों को देखें तो ये मुख्य जातियां हैं एपिस डॉर्सेटा, जिसे रॉक बी भी कहा जाता है। अर्थात वे मधुमक्खी जो कि पहाड़ी इलाकों में, चट्टानों में पाई जाती हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है एपिस डॉर्सेटा रॉक बी। दूसरी है इंडियन बी, या इसे एशियन बी भी कहते हैं, इसीलिए इसे एपिस इंडिका नाम दिया गया है। फिर आता है एपिस फ्लोरिया या लिटिल बी, साइज़ के कारण इसे लिटिल बी कहा जाता है और मुख्य रूप से एपिकल्चर में फ्लोरिया को यूज़ किया जाता है या इसको कल्टिवेट किया जाता है, क्योंकि इनको हैंडल करना, इनका पालन करना बहुत आसान होता है। और एपिस मेलिफेरा, जिसे यूरोपियन बी या इटालियन बी भी कहते हैं, इनके बारे में अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एपिस डॉर्सेटा को जाइंट हनी बी भी कहा जाता है। विशाल होती हैं, इनकी जो साइज़ है लगभग 20 मिलीमीटर होती है, अतः यह साइज़ में काफ़ी बड़ी होने के कारण इसे जाइंट बी कहते हैं। और
इस साइज़ का जो फ़ायदा होता है या लाभ होता है वो ये कि इनका जो एक हाइव है या एक छत्ता है उसमें एक बार में लगभग 60 पाउंड हनी या शहद का निर्माण हो जाता है। और जो वर्कर्स होते हैं इतने एफिशिएंट होते हैं कि प्रतिदिन लगभग 1200 फ्लावर से नेक्टर का वो कलेक्शन करने में सक्षम होते हैं। परंतु साइज़ बहुत बड़ी होने के कारण और एग्रेसिव नेचर के कारण, आक्रामक नेचर के कारण, प्रकृति के कारण इन्हें एपिकल्चर में ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता। नेक्स्ट आती है एपिस इंडिका, जिसे एशियन या एपिस इंडियन बी भी कहा जाता है, और ये डॉर्सेटा से छोटी होती है और उसके डॉर्सेटा की अपेक्षाकृत कम आक्रामक होती है, अतः इसे मधुपालन में या एपिकल्चर में बहुत आसानी से उपयोग में लिया जाता है। परंतु जो शहद उत्पादन की क्षमता होती है वह डॉर्सेटा से लगभग 10 गुना कम होती है और एक बार में प्रत्येक छत्ते से लगभग 6 से 7 पाउंड शहद का ही कलेक्शन हो पाता है। नेक्स्ट जो स्पीशी है एपिस फ्लोरिया, जो कि मुख्य रूप से मधुपालन में काम में ली जाती है और बहुत शांत या कम आक्रामक होने के कारण इसे आसानी से हैंडल कर लिया जाता है। ये ज़्यादा बड़े समूह में भी नहीं रहती हैं, अतः इन्हें मधुपालन में बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट होती है एपिस मेलिफेरा, जिसे यूरोपियन बी भी कहते हैं, और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थात एपिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यह सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली या पालन में लाई जाने वाली मधुमक्खी होती है। अगर हम बाह्य संरचना का अध्ययन करें तो अन्य ऑर्थ्रोपोडा के समान मधुमक्खी भी की जो देह है वह मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। हेड, जैसा कि अन्य ऑर्थ्रोपोडा में हमने देखा था, मुख्य रूप से संवेदी संरचनाओं का या संवेदी अंगों का एक सरफेस होती है, जिस पर एंटीना, आइज, और आइज 2 प्रकार की होंगी, संयुक्त नेत्र और ऑसिलाई, हम अध्ययन करेंगे विस्तार से उनका। और माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स में एक विशिष्टता यह होती है कि मैंडिबल्स, लेब्रम, लेबियम संरचनाएं होती हैं और चूषण के समय ये एक विशिष्ट संरचना या सकर का निर्माण करती हैं, जिसे कि प्रोबोसिस कहा जाता है। इसके पश्चात थॉरेक्स में जो 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स, इन तीनों में गमनांग होते हैं, गमनांगों में लेग्स होंगे और विंग्स होती हैं। लेग्स के 3 पेयर्स होते हैं और विंग्स में 2 पेयर होते हैं, फोर विंग, अग्र व पश्च, पंख या हाइंड विंग। और एब्डोमेन में सेगमेंट्स की संख्या लार्वा से अडल्ट तक भिन्न भिन्न पाई जाती है। लार्वा में कंपैरेटिवली 10 तक खंड पाए जाते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट, जो कि अडल्ट में 6 to 9 सेगमेंट्स ही रह जाते हैं। और जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहाँ पर स्टिंग या दंश उपस्थित होता है, जो कि वर्किंग है वो सोल्जर्स में होता है। यह मुख्य रूप से डिफेंस के या आत्मरक्षा के काम में आता है। अगर हम बाह्य संरचना का अध्ययन करें तो सर्वप्रथम सेफेलिक या अग्र संरचनाएं आती हैं, जिनमें कि हेड प्रथम संरचना है, और इसमें जैसा हमने पिछले चित्र में देखा आइज उपस्थित हैं, एंटीना है और माउथ पार्ट्स हैं। माउथ पार्ट्स में मैंडिबल और लेब्रम लेबियम मिलकर एक विशिष्ट चूषक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे कि प्रोबोसिस कहा जाता है। अगर नेत्र की संरचना हम देखें तो कंपाउंड आइज के साथ साथ 3 स्मॉल या सिंपल आई होती हैं, जिन्हें कि हम ऑसिलाई कहते हैं। ऑसिलाई जो हैं वो मुख्य रूप से एक ट्रायंगुलर त्रिकोणाकार संरचना के रूप में उपस्थित होती हैं, और कंपाउंड आई शीर्ष का या हेड का मैक्सिमम अधिकांश भाग ग्रहण करके रहती हैं। और इसमें भी भिन्नता पाई जाती है कि वर्कर्स जो होते हैं, श्रमिक, उनकी कंपाउंड आइज रानी और
सोल्जर्स की अपेक्षा बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य भोजन की तलाश करना, जिससे कि वह दूर तक देख पाते हैं। और जो कंपाउंड आई हैं अन्य ऑर्थ्रोपोडा के समान छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें कि ओमेटीडिया कहा जाता है, और ये लाइट और कलर दोनों का ही आभास कराने में सक्षम होती हैं। माउथ पार्ट्स का अगर हम अध्ययन करें तो माउथ पार्ट्स में मैंडिबल्स जो कि चूइंग टाइप होंगे, और इसके साथ ही साथ होती हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस मैक्सिली और लेबियम अर्थात ऊपरी ओष्ठ से मिलकर बनी हुई एक सकिंग या इंजेक्शन समान संरचना होती है, जिसकी सहायता से पुष्पों से नेक्टर का चूषण किया जाता है। एंटीना, अगर अन्य जो सिफेलिक संरचनाएं हैं, शीर्ष संरचनाएं हैं, उनमें एंटीना आता है, और एंटीना मुख्य रूप से थिग्मोरिसेप्टर होता है। थिग्मो का अर्थ होता है टच, के लिए सेंसिटिव होते हैं, और जो सेगमेंट होता है थोरेसिक सेगमेंट, उनमें एक मेम्ब्रेनस सॉकेट में यह उपस्थित होते हैं। और इनका मुख्य जो फंक्शन है वह टच के द्वारा या अन्य मार्ग में आने वाली अन्य वस्तुओं का, या मार्ग में आने वाली जितने भी भोजन या अन्य वस्तुएं हैं उनका आभास कराना, और साथ ही साथ विशिष्ट संरचनाएं इस पर पाई जाती हैं, जो कि स्मेल या सूंघने के आधार पर भी, स्मेल के आधार पर भी आभास कराने में सक्षम होती हैं। और एंटीना की जो विशिष्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की महक या के आधार पर उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, और अपनी जो हाइव है, छत्ते हैं, उसके अन्य सदस्यों से उनके फेरामोन जिन्हें कि हम अलार्मिंग हॉर्मोन्स भी कहते हैं, संदेशवाहक हॉर्मोन्स भी कहते हैं, या केमिकल मैसेंजर रासायनिक संदेश वाहक जिन्हें हम कहते हैं, के द्वारा भी अपने सदस्य संघ के या अपने हाइव के छत्ते के अन्य सदस्यों की भी पहचान करने में सक्षम होते हैं। हेड के पश्चात जो नेक्स्ट पार्ट आता है वह थॉरेक्स है, और थॉरेक्स जो विशिष्ट प्लेट्स होती हैं टर्गम, स्टर्नम और प्लूराइट्स को बहुत विशिष्ट रूप से स्पष्ट करता है, वो दिखाई देती हैं एक्सोस्केलेटन के रूप में। और इसमें मुख्य रूप से टू पेयर्स ऑफ विंग्स होती हैं, जिन्हें कि हमने हाइमेनोप्टेरा की विशिष्टता है, मेम्ब्रेनस या झिल्लीनुमा विंग होंगी, और थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इसके अतिरिक्त मसल्स जो विशिष्ट रूप से यहाँ पर उपस्थित होती हैं, विकसित होती हैं, जिनका मुख्य कार्य विंग्स और लेग्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना है। अगर हम वॉकिंग लेग की संरचना को देखें तो वॉकिंग लेग में मुख्य रूप से जो पार्ट्स होते हैं, हमने पिछले जो एनिमल्स थे उनमें भी अध्ययन किया था, सबसे जो बेसल पार्ट होता है कॉक्सा, फिर त्रिकोणाकार ट्रोकेंटर, मजबूत भाग फीमर, टीबिया, टार्सस, और अंतिम भाग क्लॉ, जो कि किसी भी ग्रिप के लिए, किसी अन्य आधार पर चढ़ने के लिए या ग्रिप के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो टीबिया है उसमें अनेक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये क्लीनर्स का भी काम करते हैं, विंग्स के ऊपर पॉलन ग्रेन्स या बॉडी पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, सिफेलिक पार्ट होते हैं, उनकी क्लीनिंग का भी यह कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त विंग्स पे विशिष्ट संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें कि हेम्युलाई कहा जाता है। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सेमी सर्कुलर अर्ध चंद्राकार नॉच या घुंडी के समान संरचना होती है, और ये जो होते हैं मुख्य रूप से उड़ने के समय या आपस में दोनों विंग्स को हुक करने के भी में भी सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने जो वर्कर्स हैं, ड्रोन हैं या क्वीन होती है, उनके पास भी जो क्लीनिंग एपरेटस उपस्थित होता है, जो कि लेग्स पर उपस्थित होता है, अतः इसे एंटीना क्लीनर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त लेग्स की जो विशिष्टता होती है वह है पॉलन बास्केट या पराग पोटली या टोकरी की
उपस्थिति। यह पोलन बास्केट जो है मुख्य रूप से पश्च जो लेग्स होते हैं, हाइंड लेग्स होते हैं, उनके टीबिया पर जो कि फोर्थ पार्ट होता है, पर एक ब्रश या हेयर लाइक स्ट्रक्चर की एक बास्केट समान संरचना होती है, जिसमें कि पोलन या पराग कणों को इकट्ठा करके लाया जाता है। विंग्स, जैसा कि हाइमेनोप्टेरेंस की विशिष्टता है, मेम्ब्रेनस होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, और इनका कार्य सिर्फ उड़ने में सहायक ना होकर यह हाइव को वेंटिलेशन या नेक्टर को सुखाने तथा हाइव को वेंटिलेट हवा प्रदान करने में भी काम में लिए जाते हैं। हेड थॉरेक्स के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन मुख्य रूप से होता है जिसमें कि अनेक सारे विसरल ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और जो अंतिम एब्डोमिनल सेगमेंट होता है जिस पर स्टिंग या दंश उपस्थित होता है। जैसा कि बताया था, लार्वल स्टेज में सेगमेंट्स की संख्या, अब एब्डोमिनल सेगमेंट्स की संख्या अधिक होती है, परंतु अडल्ट में यह 6 to 9 रह जाती है। तो बच्चों, यह थी एपिस की, मधुमक्खी की बाह्य संरचना। आगे की जो पॉइंट्स होंगे, मधुमक्खी के विभिन्न तंत्र होंगे, उनका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। डिटेल स्टडी या डिटेल पॉइंट्स आपको इन स्लाइड्स में दिया गया है, इनको नोट कर लेना और अपने नोट्स तैयार कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।